नमस्कार, मैं अनु सोम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। देखिए, आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के विषय में। पिछली वीडियो में हमने खिलजी वंश को समाप्त किया था, तो खिलजी वंश के बाद जो अगला वंश सल्तनत काल में हुआ है ये है तुगलक वंश। तो सबसे बड़ी बात ये है कि तुगलक थे कौन। तुगलक जो है कोई जाति का नाम नहीं है, तुगलक सुल्तान का व्यक्तिगत नाम है, यानी कि तुगलक वंश का जो संस्थापक है इसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ पे इबन बबूता क्या कहता है कि गयासुद्दीन तुगलक जो है ये तुर्क हैं, और वो तुर्कों की इसे करोना शाखा बताता है, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक जो है तुर्कों की करोना शाखा से संबंधित था। अब ये करोना शाखा क्या है? करोना शाखा मिश्रित शाखा कही जाती है, यानी कि करोना में कौन कौन शामिल है? मंगोल और तुर्की जो है ये करोना शाखा से संबंधित बताए जाते हैं। तो हमारे जो मतलब क्या हुआ, सल्तनत काल में जिस वंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया है ये है तुगलक वंश। और मैं अभी आपको बता रहा हूं कि तुगलक कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, तुगलक सुल्तान का व्यक्तिगत नाम है। अब सवाल ये उठता कि व्यक्तिगत नाम है तो फिर पूरे वंश का नाम तुगलक वंश क्यों पड़ा? इसके पीछे कारण ये है कि होता यह है कि गयासुद्दीन जो है मतलब तुगलक जो है गयासुद्दीन की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठता है, तो इसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। और इसके बाद जो इसका लड़का है जिसको हम MBT कहते हैं, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन ने भी क्या किया, अपने पिता का नाम अपने नाम के पीछे लगाया, तो उसका नाम बना मोहम्मद बिन तुगलक, जबकि उसका वास्तविक नाम वैसे था जोना खां। ठीक है, तो ये क्या हुआ, केवल गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के पीछे ही वास्तविक रूप से तुगलक शब्द आता है। अदरवाइज जितने भी, जैसे हम इसके बाद पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक के पीछे जो तुगलक शब्द है ये आधुनिक इतिहासकारों के द्वारा जोड़ा गया है। ये उस समय कोई भी फिरोज के पीछे तुगलक शब्द नहीं जोड़ता, तो ये जो वर्तमान में इतिहासकार है इन्होंने जो इतिहास लिखा है उन्होंने फिर इसे वंश का दर्जा देके और इन सभी जो इस वंश में शासक हुए सभी के पीछे तुगलक शब्द जोड़ दिया। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक का देखिए जीवन कहां से शुरू होता है। गयासुद्दीन तुगलक के विषय में कहा जाता है कि जिस समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भारत में शासन था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय ये उसके अंगरक्षक के रूप में सेना में भर्ती हुआ था, और अपनी प्रतिभा से जल्द ही ये क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी के समय उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का गवर्नर बन जाता है। अब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत दीपालपुर समाना जो क्षेत्र है जो आज पाकिस्तान में है, यहां का ये क्या बनता है, गवर्नर। और इसकी गवर्नरी में क्या होता है, इसी की गवर्नरी में अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों के यहां पे आक्रमण होते हैं, तो मंगोलों के आक्रमण से ये क्या करता है, लड़ता है और मंगोलों का वध करता है। इसी वजह से इस समय के इतिहासकार ने, जो इस समय के इतिहासकार हुए उन्होंने इसके आगे क्या जोड़ा, गाजी शब्द जोड़ा। अब गाजी का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला। तो सल्तनत काल का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अपने नाम के पीछे क्या जोड़ा है, गाजी शब्द। और गाजी शब्द इस वजह से जोड़ा क्योंकि इसने मंगोलों का क्या किया है, खात्मा किया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुल्तान में एक मस्जिद है जिसपे गयासुद्दीन तुगलक ने खुदवाया है कि मैंने लगभग 29 बार मंगोलों को पराजित किया, जबकि इसके समयकालीन जो इतिहासकार है कोई 21 बोलता है तो कोई 20 बोलता है और कोई 18 बोलता है। तो ये हम कह सकते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा मंगोलों का खात्मा किया गया था और उसी के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। अब गयासुद्दीन तुगलक के विषय में क्या फैक्ट है या किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, चलिए हम इसके विषय में पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार फिर रिकॉल करा दूं, मतलब एक बार पुनः याद करा दूं कि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो तुगलक वंश की स्थापना की गई है ये सल्तनत काल में सबसे लंबे समय तक जो है शासन करते हैं, यानी कि तुगलक वंश ने सल्तनत काल में कितने 94 वर्षों तक शासन किया था। जबकि इससे पहले मैंने जो आपको खिलजी वंश पढ़ाया था तो खिलजी वंश मात्र 30 साल तक क्या करते हैं, शासन। आइए तो इसके विषय में शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है, इसने क्या किया, इसने नसरुद्दीन खुसरो शाह को पराजित किया और नसरुद्दीन खुसरो शाह को पराजित करके किसकी, तुगलक वंश की स्थापना की, मैंने अभी आपको जैसे बताया है। और इसके बाद ये क्या था, जिस समय इसने तुगलक वंश की स्थापना की थी तो उस समय ये दीपालपुर का गवर्नर था। तो यहां दो चीज आप याद रखेंगे, इससे पहले फिरोज खिलजी जब गद्दी पर बैठता है तो फिरोज खिलजी भी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का गवर्नर है और वो फिर सुल्तान बनता है। और ये भी ऐसे ही है
ये भी गद्दी में बैठा है, तो ये भी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का गवर्नर है और इसने भी एक नए वंश की स्थापना की। तो फिरोज खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक में समानता ये है कि दोनों ये सुल्तान बनने से पहले उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के क्या है, गवर्नर रह चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद क्या है, गयासुद्दीन एक हिंदू जाट महिला का पुत्र था। तो यहाँ भी ये आता है कि होता यह है, देखिए यहाँ से काफी क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछे गए हैं कि किन किन शासकों की माँ हिंदू हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक की माँ जो है ये पंजाब की एक जाट महिला थी, तो ये जो है हिंदू हैं। तो आगे भी ऐसे ही, आगे जैसे हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक, तो उसकी माँ एक राजपूत परिवार से थी, तो ऐसे ही जो है यहाँ पर कहता है कि किन किन शासकों की जो माँ है ये हिंदू थी, ये क्वेश्चन एग्जाम आया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या हुआ, मैंने अभी आपको बताया है कि इसने क्या है अपने नाम के आगे या अपने नाम के पीछे क्या जोड़ा, गाजी। तो गाजी शब्द क्यों, क्योंकि इसने मंगोलों का खात्मा किया था और गाजी का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला। तो यहां पे गाजी शब्द का अर्थ है काफिरों का वध करने वाला, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ये गद्दी में बैठता है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी और उसके वंशज। तो अलाउद्दीन खिलजी और उसके वंशजों ने काफी सख्त नीति अपनाई थी। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी की जो सख्त नीति थी या जो कठोर नीति थी, उसके पुत्र मुबारक खिलजी ने उसे सॉफ्ट करने का प्रयास किया था, लेकिन फिर भी खिलजियों का जो है साम्राज्य में एक खौफ अलाउद्दीन खिलजी ने जो बनाया था वो बना हुआ था। तो ये क्या करता है, ये अलाउद्दीन की कठोर नीति के विपरीत उदार नीति अपनाता है, यानी कि ये साम्राज्य में उदारवाद या फिर लिबरल जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, ये नीति अपनाता है। और बर्नी ने इस नीति को क्या कहा है, देखिए इतिहासकार एक हुआ है बर्नी इसे बोलता है बर्नी से बोलता है रस्मे मियान। अब रस्मे मियान क्या है, रस्मे मियान है मध्य वर्ग की नीति, यानी कि मध्य वर्ग का मतलब यह है कि ना तो ज्यादा कठोर शासन और ना ही ज्यादा सरल शासन। तो रस्मे मियान की नीति जो है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा अपनाई गई थी। अब फिर क्या होता है, इसने क्या किया, देखिए हमने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी के समय कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी बंदा जो है ये क्या करता है, ये मसाहत प्रणाली अपनाता है। अब मसाहत क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैं फिर बताता हूं। मसाहत होता है भूमि की नाप के बाद टैक्स वसूलना, यानी कि भूमि कितनी है इसको पहले उसने नपवाया और नापने के बाद उससे उसने 50% तक टैक्स वसूला। लेकिन ये क्या करता है, ये गयासुद्दीन तुगलक क्या करता है, ये जो मसाहत प्रणाली है इसको खत्म करता है और मसाहत प्रणाली के बाद गल्ला बटाई और नक्स प्रथा की शुरुआत करता है। अब ये गल्ला बटाई और नक्स प्रथा है क्या, इसमें क्या होता है, खेत मान लिया, क्या होता है, खेत के पास जो है राजस्व अधिकारी जाता है और वो देखता है कि खेत में फसल कितनी खड़ी है, तो उसका 1/3 या 1/5 भाग जो है ले लिया जाता है। लेकिन ये बटाई की किस्म है, अब इसमें कई प्रकार की बटाई है। तो जब मैं राजस्व मतलब जब मैं जो क्या कराऊंगा, जिस समय मैं सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था कराऊंगा, तब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये प्रणाली है क्या, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, वो समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिलहाल आपको ये समझना है कि अलाउद्दीन खिलजी की मसाहत प्रणाली जो नाप तोल की प्रणाली है उसके स्थान पर केवल बटाई प्रणाली, जैसे आज भी मान लिया 10 बीघे का खेत है और मैंने अपनी भूमि को बटाई पे दे दिया, तो मैं क्या करूंगा, उसका 1 हिस्सा या 2 हिस्सा या 3 हिस्सा अपने पास रखूंगा और बाकी हिस्सा जो खेती करने वाला है उसे दे दूंगा, जैसे भी मैं उसके साथ ये सौदा करूंगा। तो एक तरीके से ये बटाई प्रणाली ये है। अब इसके बाद क्या है, उसने आदेश दिया कि भू राजस्व व्यवस्था एक बार में, देखिए ध्यान से देखिए, उसने आदेश दिया कि भू राजस्व व्यवस्था एक बार में 1/10 या 1/11 की जाए। अब ये क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्योंकि क्या किया था, 50% तक टैक्स वसूला था, तो गयासुद्दीन यहां पे क्या करता है, मतलब तुगलक यहां पे ये करता है कि ये जो है टैक्स की दर बढ़ाने के पक्षधर तो है, लेकिन ये कहता कि टैक्स की दर इस तरीके से बढ़ाई जाए ताकि किसानों को भी कोई नुकसान ना हो। तो ये कहता कि एक बार में टैक्स की दर 1/10 से 1/11 के बीच में ही बढ़ाए, इससे ज्यादा टैक्स की दर यहाँ पे नहीं बढ़ाए। और इस समय टैक्स की दर क्या है, इस समय टैक्स यानी कि भू राजस्व की जो दर है वो 1/5 से लेके 1/3 है। तो ये आप याद रखो, भू राजस्व की जो दर है, भू राजस्व की दर 1/5 व 1/3
तीन, ठीक है। तो ये एक बटे पांच में एक बटे तीन थी। इसके बाद क्या है देखिए, यातायात में डाक व्यवस्था की जो है ये सुधार करता है। इब्न बतूता एक इतिहासकार भी हुआ है और ये काजी भी रह चुका है। इब्न बतूता क्या होता है, एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये भारत में आया था 1333 में। तो इब्न बतूता जब भारत आया तो भारतीय डाक व्यवस्था का वो वर्णन करता है। तो डाक व्यवस्था को सुधारने का जो कार्य है, डाक व्यवस्था सुचारू रूप से सुधारने का कार्य तुगलक के द्वारा यानी कि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था, और साथ ही साथ इसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण भी कराया। तो सल्तनत काल में नहरों के द्वारा जो सिंचाई करनी शुरू हुई, इसकी शुरुआत भी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही की गई थी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि सल्तनत, अगर क्वेश्चन एग्जाम में था कि सल्तनत काल का ऐसा पहला शासक कौन था जो नहरों के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था या फिर नहरों के द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराता है, तो ये कौन बनता है, ये है आपका गयासुद्दीन तुगलक। जब हम इसके बाद एमबीटी और इसके बाद फिर हम एफएसटी मतलब फिरोज शाह जब हम पढ़ेंगे, तो फिरोज शाह तुगलक के समय भी बहुत सारी नहर बनाई गई हैं। तो सबसे ज्यादा सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, लेकिन नहर निर्माण की जो शुरुआत है भारत में सल्तनत काल में, ये किसके द्वारा की गई है, ये यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, देखिए न्याय व्यवस्था को उदार बनाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने न्याय व्यवस्था काफी कठोर की थी। मान लिया वो क्या था, जैसे अगर कोई अलाउद्दीन खिलजी के समय कोई कम तोलता था तो वो जितना कम तोलता था उसके शरीर से उतना ही मांस निकलवा देता था। तो इसने ऐसी अमानवीय प्रथा को क्या किया, थोड़ा नरम बनाया। तो न्याय व्यवस्था उदार बनाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके बाद क्या है, इसके बाद है इसने दक्षिण के राज्य को साम्राज्य मिलाना शुरू किया। इसने दक्षिण के राज्य को क्या किया, साम्राज्य मिलाना शुरू किया। देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में जो मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मुबारक शाह खिलजी ने देवगिरी को सल्तनत में मिला लिया था। तो वहां से दक्षिण को साम्राज्य मिलाने की नीति शुरू होती है। लेकिन समस्त दक्षिण भारत को साम्राज्य मिलाया किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। समस्त दक्षिण भारत को किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने अपने साम्राज्य में मिलाया था। लेकिन कंपीली एक राज्य है दक्षिण में, कंपीली जो है दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं हुआ था। यहां देखिए लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत को सल्तनत में मिलाया लेकिन कंपीली को छोड़कर, यानी कि कंपीली जो है ये शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद क्या होता है, 1324 में एक मंगोल आक्रमणकारी है जिसका नाम है शीर मुगल। तो 1324 में शीर मुगल एक मंगोल के द्वारा जो है भारत पर आक्रमण किया जाता है, लेकिन इसे मलिक सादी जो समाना या उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का इस समय गवर्नर है, ये क्या करता है, ये मंगोलों के आक्रमण को निष्फल करता है। इनके मंगोल ने जो यहाँ पे आक्रमण किया है वो आक्रमण सफल नहीं हो पाया, उस आक्रमण को निष्फल कर दिया गया। तो ये निष्फल किसने किया, ये मलिक सादी ने किया था। अब दूसरा पॉइंट, एक चीज में और आपसे बता दूं, यहाँ पे क्या होता है, देखिए गयासुद्दीन तुगलक क्या करता है, गयासुद्दीन तुगलक दक्षिण के राज्य को अपने में मिलाने का प्रयास करता है। लेकिन ये मिलाने का प्रयास कौन कर रहा है, ये मिलाने का प्रयास करता है जोना खां। जोना खां गयासुद्दीन का पुत्र है। ये जोना खां ही आगे जाके एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रताप रुद्रदेव, जिसका जिक्र मैंने आपको पहले भी किया था, अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रताप रुद्रदेव एक शासक हुआ है। तो प्रताप रुद्रदेव वो शासक था जिसने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। तो प्रताप रुद्रदेव का जो शासन है उसके शासन को ये अपने साम्राज्य में मिलाता है, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद है क्या होता, देखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय बंगाल उसके साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, यानी कि बंगाल बिहार और उड़ीसा के जो अधिकांश क्षेत्र हैं ये अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में नहीं थे उसके पास। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी एक गयासुद्दीन नामक व्यक्ति शासन कर रहा था। यहाँ ये गयासुद्दीन तुगलक नहीं है, गयासुद्दीन अलग है। तो गयासुद्दीन का जो भाई है, बंगाल वाले गयासुद्दीन का जो भाई है, वो गयासुद्दीन तुगलक से सहायता मांगता है और गयासुद्दीन तुगलक गयासुद्दीन के खिलाफ क्या करता है, अभियान करता है।
अब ध्यान रखना है बंगाल के शासक का नाम भी गयासुद्दीन है और दिल्ली का सुल्तान इसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। तो ये फर्क आप अच्छे तरीके से समझ ले। तो ये अभियान करता है बंगाल पे और बंगाल को फिर दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। वापस लौटते समय जब ये बंगाल से वापस लौट रहा था तो वापस लौटते समय तिरहुत के शासक हरि सिंह देव को भी पराजित करता है। अब तिरहुत जो क्षेत्र है ये मिथिला क्षेत्र कहलाता है। तो मिथिला का जो शासक है ये हरि सिंह देव है, इसको भी ये पराजित करता है। और बंगाल अभियान के बाद जब ये वापस दिल्ली आ रहा होता है तो वापस दिल्ली आते समय क्या होता है, वापस दिल्ली आते समय अफगानपुर दिल्ली से लगभग 8 मील के पास एक जगह थी अफगानपुर, इसमें गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होती है तो मृत्यु के पीछे क्या है, काफी घटनाएं हैं। देखिए हुआ क्या था, जिस समय गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा था तो उसी समय से निजामुद्दीन औलिया के साथ इसका मतभेद था। अब निजामुद्दीन औलिया कौन है ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के एक सूफी संत थे। सॉरी, निजामुद्दीन औलिया ने खुसरो मलिक से 5 लाख रुपए जो है टका वो प्राप्त किए थे। यानी कि खुसरो जो नसरुद्दीन खुसरो मलिक जब गद्दी पर बैठता है तो निजामुद्दीन औलिया को वो 5 लाख रुपए टका प्रदान करता है। लेकिन होता क्या है, जब गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठता है तो गयासुद्दीन तुगलक क्या करता है, निजामुद्दीन औलिया से वो 5 लाख रुपए की मांग करता है कि आपको जो 5 लाख रुपए पिछले शासक ने दिए हैं वे लौटाएं। तो निजामुद्दीन औलिया मना कर देता है कि भैया ये पैसा तो है मैंने जो है जनता की सेवा के लिए खर्च कर दिया। तो यहां से निजामुद्दीन औलिया और सुल्तान में मनमुटाव होता है और ये मनमुटाव काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सुल्तान निजामुद्दीन औलिया पर आरोप लगाता है कि ये बंदा जो है ये संगीत प्रेमी है, जबकि यहां पर क्या था, इस्लाम धर्म में संगीत बैन था। तो इस तरीके से आरोप कौन लगाता है, गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया में, और इसी वजह से दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न होता है। लेकिन जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान पर गया और बंगाल अभियान से वापस आ रहा था तो ये इतना ज्यादा उत्साहित हुआ, इसने निजामुद्दीन औलिया को रस्ते में से ही संदेश भेजा कि मेरे दिल्ली आने से पहले दिल्ली खाली कर दे, ठीक है, नहीं तो मेरे दिल्ली आने पर जो है परिणाम बुरा होगा। तो निजामुद्दीन औलिया ने यहाँ पर एक लाइन कही थी और ये लाइन बड़ी प्रसिद्ध हुई, ये लाइन है, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, हुनूज दिल्ली दूर अस्त। ये लाइन किसके द्वारा, निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कही गई थी, जिसका अर्थ है दिल्ली अभी दूर है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली पहुंचने वाला होता है तो दिल्ली पहुंचने से पहले इसका जो पुत्र है जोना खां मोहम्मद अयाज के द्वारा एक लकड़ी का महल बनवाता है और इसी लकड़ी के महल में दब के भाई साहब जो है ऊपर निकल जाता है। यानी कि 1325 में क्या होता है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु के पीछे अलग अलग राइटरों ने अलग अलग उल्लेख किया है। कुछ राइटर तो ये कहते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक की मौत के पीछे जोना खां यानी कि उसके पुत्र का हाथ था, ठीक है, और कुछ कहते हैं कि ये मृत्यु जो है स्वाभाविक है। बर्नी यहाँ पे कहता है कि बिजली गिरने से जो है किसकी मृत्यु होती है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु होती है। तो यहाँ पे इतिहास में दो मत हैं, एक मत ये कहता है कि जोना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपने पिता की हत्या की गई है और एक मत ये कहता है कि ये स्वाभाविक रूप से जो है महल गिरा जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण जो है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है तो मोहम्मद अयाज ने जो लकड़ी का ये महल बनाया था, इस मोहम्मद अयाज को ये बाद में वजीर का पद देता है, तो संदेह यहाँ पैदा होता है। तो इसके बाद जो अगला जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे, MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, धन्यवाद।